नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी सिनेमा जगत के सबसे सर्वश्रेष्ठ खलनायकों में से एक अमजद खान 70 और 80 के दशक में खूब अभिनय किया था। कितने आदमी थे? वो जान से जाएगा तो तू माल और जान दोनों से जाएगा। ऐसा तराना झूम के गाँव संग संग दुनिया झूमे। रोंगटे खड़े कर देने वाली संवाद अदायगी और रुआब से भरा व्यक्तित्व, आंखों में धधकती नफरत की आग, पर्दे पर यही पहचान थी अमजद साहब की। उनके द्वारा बोले गए एक संवाद आज भी लोगों को मुंह जबानी याद हैं। अरे ओ साहबा, उठा तो जरा बंदूक। लगता है बचपन में तुम्हारी माँ ने तुम्हारी आंखों में सुरमा नहीं डाला था, इसलिए शेर और चूहे में फर्क नहीं जानते। कल से मजदूरों ने काम नहीं किया तो जसवंत सिंह तेरी खाल के जूते बना के पहनेगा। ये हाथ हमको देखा तो ना थाने जाएगा। पुलिस बुलाएगा। बुला बुला हराम का भी। अमजद साहब एक महान अभिनेता तो थे ही, लेकिन आप लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह कुछ सस्तर के गायक भी थे। अमजद साहब ने एक से अधिक फिल्मों में अपने गायकी का जलवा बिखेरा था। आज हम उन्हीं में से अमजद साहब के द्वारा गाए गए एक अति दुर्लभ गीत को प्रस्तुत करेंगे, जिसे शायद ही आप लोगों ने कभी सुना होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। वर्ष 1981 में कमल जैन और जगदीश सी शर्मा के द्वारा निर्मित तथा राजन सिप्पी के द्वारा निर्देशित एक फिल्म आई थी जोश, जिसमें अनिल धवन, देवेन वर्मा, विद्या सिन्हा, सारिका ठाकुर, अमजद खान, हेलेन, राज किरण, शक्ति कपूर इत्यादि प्रमुख भूमिकाओं में थे। फिल्म में कुल 5 गीत रखे गए थे, जिन्हें लिखा था अमित खन्ना ने तथा संगीतबद्ध बप्पी लहरी ने किया था, जिसमें से 3 गीतों को आशा भोसले जी ने गाया था। क्रमशः जिनके बोल थे जीत लो हार के, शीशा शराब शबनम और सब कुछ तो है। एक गीत किशोर कुमार साहब ने गाया था जिसके बोल थे जिनके लिए हम गा रहे हैं। अरे जिनके लिए हम गा रहे। तथा एक गीत अमजद खान और देवेन वर्मा ने गाया था जिसके बोल थे खाट पे खटमल चलेगा जब दिन में सूरज ढलेगा। दरअसल फिल्म में एक ऐसे गीत की आवश्यकता थी जो थोड़ा हास्यात्मक अंदाज में हो और जिसे शराबी का अभिनय कर रहे अमजद साहब और देवेन साहब पर चित्रित किया जाना था। गीत के बीच बीच में संवाद भी बोलने थे। उस वक्त बप्पी लहरी साहब के दिमाग में यह ख्याल आया कि अलग अलग 2 गायकों से गवाने से अच्छा क्यों ना गीत को स्वयं अमजद साहब व देवेन साहब से ही गवा दिया जाए, क्योंकि गीत भी ज़्यादा बड़ा नहीं था। जब इस बारे में बप्पी लहरी साहब ने अमजद साहब और देवेन साहब से बात किया तो वह गीत गाने के लिए सहमत हो गए और उन्होंने गीत को क्या खूब गाया। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। अरे घाट पे खटमल चलेगा जब दिन में सूरज ढलेगा, जो हल्ला किया तो समझो मियां हर बिल्डिंग का बत्ती जलेगा। एक दिन छोटे पहाड़ पे चढ़ी लेके नो मन भा। छोड़ यार छोट गरम सोच के तू हमसे बंदर माँ। मेरी अम्मा ने मुझसे ये सच सच कहा, मेरी अम्मा गई है जाने का। गाड़ी ठुकी तो गाड़ी रुकी, अक्सर ऐसा होता है। फुकट का माल यूं ही गया, खून पसीना एक किया। क्यों जरूरत ज्यादा तूने पी
वास्तव में अमजद साहब ने गीत को बड़ा ही खूबसूरत गाया है और देवेंद्र साहब ने भी उनका बखूबी साथ दिया है। हालांकि अमजद साहब और राजन सिप्पी के बीच भुगतान को लेकर विवाद की वजह से फिल्म कई वर्ष देरी से रिलीज हो पाई थी, जिस वजह से फिल्म सिनेमा घरों से जल्दी उतर गई थी, इसलिए गीत भी ज़्यादा लोकप्रिय नहीं हुए थे। इसके अलावा अमजद साहब ने शतरंज के खिलाड़ी फिल्म में बड़ा ही खूबसूरत गीत गाया था, जिस पर हम पहले ही विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम आई बटन एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। तथा खाट पे खटमल चलेगा गीत का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां से आप लोग गीत का आनंद विस्तार से ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को गीत कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।